गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन मैथमेटिक्स क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग योर वर्क रेगुलरली एंड सेफ एट योर होम। तो आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6B यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कम्प्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3। एडिशन कर लिया एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, सब्ट्रैक्शन कर लिया, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई भी कर लिया, और आज हम करेंगे डिवीजन ऑफ अ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप किसी सेकंड एलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कैसे डिवाइड करते हो, आज हम वो डिस्कस करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज सी का, 24x² y³ / 3xy। ये कहा गया कि आपके पास जो फर्स्ट ये एक्सप्रेशन है उसको किससे डिवाइड करना है, आपको 3xy से डिवाइड करना है। देखो ये एक मोनोनोमियल है, ये एक मोनोनोमियल है। जब भी आपको मोनोनोमियल को मोनोनोमियल से डिवाइड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका। पहले हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखा जो टर्म में डिवाइड करने, यानी जो हमारे पास डिवाइडेंट है, अपॉन में डिवाइस, ऐसे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो आपको याद होगा जब हमने एक्सपोनेंट वाला चैप्टर किया था कि हमारे पास एक रूल था, जब भी आपके पास टू टर्म्स होती हैं और उनके बेस सेम होते हैं और आप उनको डिवाइड करते हो तो उसकी पावर क्या होती है, पावर माइनस होती है। मल्टीप्लाई में एडिशन होती है पावर में, और डिवाइड में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होती है। हम क्या करेंगे इसमें, जो हमारे पास वेरिएबल है उसको सेम लाइक वेरिएबल से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ x पावर 2 है, यहाँ x है, यानी जो x है x से डिवाइड होगा, y y से डिवाइड होगा, और कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट से डिवाइड करेंगे। तो 3 × 1 = 3, 3 × 8 क्या होगा आपके पास, 24। उसके बाद 8 आ गया, अब इन दोनों टर्म को डिवाइड करना है। बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, माइनस होगी, ऐसे ही y के बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, माइनस होगी, आपको माइनस करते हुए चलना है। तो 8 × x^2 − 1 क्या होगा, x^1, एंड y^3 − 1 क्या होगा, y^2। तो यही आपका आंसर होगा। तरीका सॉल्व करने का, कैसे सॉल्व करेंगे, 24x² x को हम x मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं, y को हम y × y · 5 कहा जा सकता है, और इस पर x × x, और एक x से कैंसिल हो गया, इस y से y कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 3 भी था तो 3 × 8 = 24। 8 × x · y उसके तब भी हमारे पास यही आंसर आ रहा है। नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से होगा। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है −72x²y² + 12xy। देखो यहाँ इसमें क्या है, हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो −72x²y²/(12xyz) माइनस से माइनस कैंसिल, 12 × 12 = 12, 12 से क्या होगा आपके पास, 72। अब आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, 6 आया यहाँ पर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x² − 1, y² − 1 एंड z² − 1, क्योंकि यहाँ पर टर्म क्या है, एक दूसरे के अपॉन में है, डिवाइड हो रही है, तो पावर क्या होगी, माइनस होगी। तो 6 × x^2 − 1 = x^1, y² − 2 − 1 = y^1, एंड z² − 1 = z^1। 1 पावर का हम मेंशन नहीं करते। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट हमने कर लिया है, ऐसे ही एज इट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, आप खुद ट्राई करके देखेंगे। तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट मैंने आपको करा दिया है, सेकंड और फोर्थ पार्ट आप खुद करके देखोगे। देखो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, जब माइनस, जब आप इन दोनों टर्म को डिवाइड करोगे तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर −9 है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास 5m³ − 20m² + 45m / 5। तो जो आपने लास्ट क्वेश्चन किए थे उसमें आपके पास दोनों जो एक्सप्रेशन थे वो मोनोनोमियल थे, यहाँ पर हमारे पास पॉलीनोमियल है और आपको किससे डिवाइड करना है, मोनोनोमियल से डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे कि वही पहले की तरह लिखना है, 5m³ − 30m² + 45/5। यानी जो ये 5m है ये पॉलीनोमियल की हर एक टर्म को डिवाइड करेगा, जिनको सेपरेटली लिख सकते हैं, 5m³ / 5m −30m² / 5m + 45m / 5m क्या होगा हमारे पास, 5। हम डिवाइड कर लेते हैं तो उसी तरीके से 5 × 5 = 5, और क्या बचेगा है, m³ − 1, क्योंकि हमें क्या करना है, पावर को माइनस करना है, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं। जो माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल लगाना है, 30/5, तो 5 × 5 = 5, 5 × 6 = 36 आ गया, m² − 1 प्लस 5 × 5 एंड इसे क्या होगा, 45, तो 9, और इस हम से n कैंसिल हो गया तो क्या आएगा हमारे पास, कांस्टेंट 9। और वैसे भी जब आप m^(1 − 1) करोगे तो m^0 आएगा, और ये हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। फिर 9 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 9 ही आएगा। तो क्या आंसर आया हमारे पास, m पावर
टू माइनस सिक्स एम पावर वन प्लस नाइन। तो इस तरीके से आपको करना है, जब आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन हो और आपको एक सिंगल मोनोनोमियल से डिवाइड करना है, तो आप पॉलिनोमियल के हर एक टर्म को सेकेंड जो एक्सप्रेशन जो मोनोनोमियल गिवन है आप उससे डिवाइड करोगे। फर्स्ट सेकेंड पार्ट भी इसका इसी तरीके से आप कर लेते हैं। पार्ट नंबर थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड भी एज इट इज पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड की तरह है, सिर्फ यहाँ पर के यहाँ पर नेगेटिव में आपको टर्म दे रहे हैं। सबसे पहले हम अपने पूरे एक्सप्रेशन को लिखते हैं, क्या है पास 9x2y माइनस 6xy प्लस 12xy स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 3xy। यहाँ पर माइनस है तो माइनस को साथ करना है। अब आप क्या करोगे, 9x2y डिवाइडेड बाय माइनस 3xy, हम माइनस को यहाँ लगा दें यहाँ लगा सकते हैं। फिर अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस में ये भी माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस 6xy डिवाइडेड बाय 3xy माइनस माइनस 12xy स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3xy। अब सॉल्व कर लेते हैं, 3 1 3 3 3 9 3 1 3 3 2 6 3 1 3 3 4 12, हमने कांस्टेंट टर्म को कैंसिल आउट कर लिया। अब आंसर लिखेंगे माइनस 3 x पावर 2 माइनस 1 एंड y 1 माइनस 1 प्लस 2 x पावर 1 माइनस 1 एंड y पावर 1 माइनस 1, और इस x से x कैंसिल और y से y कैंसिल हो गया, माइनस 4 x से x कैंसिल कर दिया हमने, और x को x पावर 1 माइनस 1 भी हम लिख सकते हैं एंड y स्क्वायर माइनस 4। आगे सॉल्व करेंगे अब माइनस 3, देखो ये y से y भी कैंसिल हो रहा है, 1 माइनस 1 का मतलब भी वही, x पावर 2 माइनस 1 इज x पावर 1 एंड y पावर 1 माइनस 1 इज 0, और y पावर 0 किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो हमेशा इसका इक्वल होता है 1 प्लस 2। यहां से ये दोनों टर्म यहां से क्या हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, कैंसिल आउट हो चुकी है, एंड माइनस 4 x पावर 1 माइनस 1 इज 0 एंड y पावर 2 माइनस 1 इज 1, तो 1 को हम लिखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या हुआ, माइनस 3x प्लस 2 माइनस 4 y। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट हमने कर लिया है, फोर्थ पार्ट आप इसी तरीके से करोगे। यहाँ पर देखो दो टर्म आपस में कैंसिल आउट हो गया, आप इसको डायरेक्ट भी कैंसिल आउट करके आंसर में लिख सकते हो, यहाँ पर आप सिंगल 2 लिख सकते हो, यहाँ पर x लिखने की जरूरत नहीं है। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या है कि आपको पॉलीनोमियल को पॉलीनोमियल से ही डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमारे पास टू मोनोनोमियल गिवन थे, हमने उनको आपस में डिवाइड किया, सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास एक पॉलीनोमियल थी उसको हमने मोनोनोमियल से डिवाइड करा। अब क्या है हमारे पास दोनों ही पॉलीनोमियल है एक से ज्यादा टर्म है, तो अब उसमें हमें कैसे डिवाइड करना है, हमारे पास डिवीजन वाला मेथड है, हम उसी से इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारा डिवाइडेंट है, ये हमारा डिवाइसर है। तो डिवाइडेंट को अपने सिंबल के अंदर लिखते हैं और डिवाइसर को हम बाहर लिखते हैं एक्स माइनस। अब देखो डिवाइड करते टाइम आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन समझना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये एक्सप्रेशन चेक करो, तो ये एक्सप्रेशन क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है हमारे पास एक्स। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हम डिवाइडेंट को चेक करते हैं कि वो डिवाइजर से छोटा है या बड़ा है। अगर वो डिवाइजर से छोटा है तो हम दो टर्म ले लेते हैं, अगर वो डिवाइजर से बड़ा है तो यहाँ पावर एक्स पावर 1 है, यहाँ पावर एक्स पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे डिवाइजर को किसी नंबर से या किसी ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, या तो वो डिवाइड क्या हो जाए डिवाइडेंट के बराबर आ जाए या डिवाइजर से थोड़ा ही छोटा हो। देखो अब मैं x स्क्वायर लाने के लिए किस टर्म से मल्टीप्लाई करूं, मैं x स्क्वायर लाने के लिए x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगी तो वहां पर आपके पास x स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, तो क्या कहेंगे हम, तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ हमारा x हुआ, यहाँ पर जो टर्म आएगी तो नया हमारे पास डिवाइजर सॉल्व हुआ है वो क्या होगा x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x, आपको इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है x से, जैसे आपके पास सिंपल क्वेश्चन है आपको 343 को 7 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे 7 के, देखो ये 3 तो छोटा है, 2 टर्म नहीं, कुछ ऐसा नंबर देखेंगे इससे टर्म बराबर है छोटा होती है, ये तो आता नहीं 7 4 सा, हम क्या करते हैं 7 को 4 से मल्टीप्लाई करके ही तो हम 28 लेके आते हैं, ऐसा ही हमें इसलिए करना है। x माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू x एक्स स्क्वायर माइनस 2x, हमारे पास क्या हुआ टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब वही टर्म क्या करना है हमें सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर्स को, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते टाइम मैंने आपको बताया था जो हमारे पास नीचे वाले टर्म है उसके हमें साइन चेंज कर देते हैं, तो इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्योंकि ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। अब माइनस 4x प्लस 2x प्लस माइनस माइनस क्या है आपके पास माइनस 2x प्लस 4, इस 4 को नीचे ले आए। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है x माइनस 2 है यहाँ पर हमारे पास, अब आपको ये नया क्वेश्चन चाहिए, अब नया क्वेश्चन हम क्या लेंगे, देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर 2x है,
एक्स को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x होगा या नहीं होगा, वहां से हमें मिल गया। लेकिन जब आप 2x ले लेते हो तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका सिंबल होगा ना ऐड हो जाएगा। लेकिन हमें तो क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन करनी होती है हमें, ज्यादातर जब डिवाइड करते हैं तो हमें ऐसे टर्म लेनी होती है कि हमारे पास जो दोनों टर्म है वो आपस में कैंसिल हो जाए। तो मैं क्या करूँ, एक्स माइनस टू को अगर मैं माइनस टू से मल्टीप्लाई करूँ तो सेम ही टर्म आएगी या नहीं आएगी? माइनस टू से एक्स को मल्टीप्लाई किया, माइनस टू एक्स, माइनस टू को माइनस टू से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास प्लस फोर। यहाँ पर क्या हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई किया था हमने माइनस टू का, नया क्वेश्चन क्या है हमारे पास माइनस टू, ये टर्म आ गया। आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ये प्लस हो, ये माइनस हो, फोर प्लस माइनस माइनस होगा, जीरो आएगा यहाँ पर भी, और ये दोनों टर्म आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई। हमारे पास क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन तो आया हमारे पास एक्स माइनस टू, और रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारे पास जीरो आ रहा है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अभी और क्वेश्चन करेंगे तो अभी आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर फोर इसी तरीके से आप करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब हमें क्या करना है, एक्स प्लस सेवन से किसको डिवाइड करना है, एक्स के प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस थर्टीन एक्स, तो वही यहाँ पर x पावर 2 है, यहाँ पर x पावर 1 है। तो x प्लस 7 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ कि x पावर 2 हो जाए, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो x पावर 2 प्लस 7 x, तो इससे क्या हमारे पास क्वेश्चन क्या आया, x, तो x क्यूब प्लस 7 x। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है, तो ये प्लस में तो ये माइनस, ये प्लस है तो यहाँ से दोनों टर्म कैंसिल, x में से 7x माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 5x प्लस 35। अब देखिए वहां पर हमने जो लास्ट क्वेश्चन था वहां पर माइनस टू से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर देखो एक्स प्लस सेवन तो फाइव से मल्टीप्लाई करूंगी 5x हो जाएगा, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी 35 आएगा, तो सेम टर्म हुई या नहीं हुई, हमने किससे मल्टीप्लाई किया इसको 5 से, प्लस 5 से, तो प्लस 5 ही लिखना था, आप ओनली 5 नहीं लिखोगे प्लस 5 लिखोगे, तो 5x प्लस 35। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ये भी टर्म कैंसिल, अपोजिट साइड वाली सेम टर्म क्या होती है, कैंसिल हो जाती है आपस में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, 35 में से 35 माइनस करोगे जीरो आएगा, 5x में से 5x माइनस करोगे तो भी क्या आएगा आपके पास जीरो आएगा। तो क्वेश्चन क्या हुआ हमारे पास, x प्लस 5। अब आपको समझ आने लगे होगा, अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और मैं अभी आपको करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 15x² + 7x - 8 को आपको डिवाइड करना है 3x + 2। जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हमारे पास सिंगल एक्स स्क्वायर वाले टर्म होती थी, यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर भी एक्स होता था, यहाँ पर भी हमारे पास 3x है, यहाँ पर है 15x स्क्वायर, तो 35 से कितना होता है 15 आपको पता है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर, तो 3x + 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, अगर हम 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारे पास क्या आएगा 5 3 से 15 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 2 से 10 एक्स, तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन क्या है 5x एंड हमारे पास टर्म आ रही है 7x क्यूब प्लस 10x। अब करेंगे हम यहाँ से सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन कर देते हैं माइनस यहाँ माइनस, तो 15x क्यूब प्लस माइनस माइनस जीरो होगा, प्लस माइनस 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 9x, 10x में से 1x माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 9, और सिंबल किसका आना है माइनस का, क्योंकि 10 क्या क्या सिंबल है माइनस एंड माइनस 6। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास 3x प्लस 2, अब 3x प्लस 2 को किस टर्म से मल्टीप्लाई करेगी, माइनस 9x और माइनस 6 है, तो 3 3 से 9 और 3 2 से 6, माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5x माइनस 3 हमारे पास क्वेश्चन बनेगा, और ये क्या होगा 3 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो 9x माइनस 9x प्लस माइनस माइनस, ये देखो ये प्लस तो ये टर्म भी कैंसिल, ये टर्म भी कैंसिल, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास 5x माइनस 3। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपको उत्तर हो गया, मैं आपको करा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 है हमारे पास 2x + 3, इसे आपको डिवाइड करना है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 को, ये हमारे पास डिवाइडेंट है और ये हमारे पास डिवाइजर है, तो अब तक जो क्वेश्चन दिए थे उसमें पावर 2 थी, यहाँ पर पावर क्या है 3 है पावर, तो अब कैसे करेंगे इसमें, ये एक्स पावर 1 को एक्स पावर 3 बनाने के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा एक्स पावर 2 से, और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो सिंगल हम x पावर 2 ही लेंगे, 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x पावर 2, तो x पावर 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 2x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर, इससे क्या हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई x स्क्वायर से, तो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, अब यहाँ पर हम माइनस कर देंगे तो सिंबल चेंज करेंगे, ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गई, x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस होगा तो क्या आएगा हमारे पास माइनस 2x स्क्वायर, ऊपर से ले आते हैं सिंगल टर्म लेंगे अभी माइनस 5x, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 ही टर्म, अगर यहाँ पर हमारे पास ट्राइनोमियल होता तो हमें 3 टर्म्स लेनी होती,
यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो हम अगर सिंगल से मल्टीप्लाई करते पॉजिटिव वाले टर्म से ही मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास कैंसिल आउट नहीं होगा। तो अब कैंसिल करने के लिए हमेशा क्या लेना है, अपोजिट साइड लेना है। ये प्लस है, 2x प्लस 3 को अगर मैं माइनस x से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा मेरे पास माइनस 2x, क्योंकि अगर सेम सिंपल आएंगे तभी तो माइनस करते टाइम जो नीचे वाले टर्म है वो चेंज होकर अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 3x। तो ये क्या हुआ, किस पे हमने किया इसे माइनस x पर, क्या हुआ माइनस 2x क्यों एंड माइनस 3x। आप सिंबल चेंज किया, ये टर्म तो कैंसिल हो गए, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस माइनस प्लस को, अब क्या करना है हमें प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 5x में जब आप प्लस 3x करोगे तो आपके पास क्या आएगा माइनस 2x, तो ऊपर से ले आएगा माइनस 2। अब आगे देखो आपके पास क्या आ रहा है माइनस 2x, यहाँ पर प्लस 2x, तो अब तो दोनों सेम है यानी इस पे जाएंगे ओनली 1 पर, और किससे करना है हमें ये माइनस साइन है तो माइनस से ही करना है, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2x एंड माइनस सिंबल चेंज किया माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस प्लस, ये टर्म कैंसिल, 3 में से 2 माइनस किया हमारे पास आया 1, तो अब तक हमारे पास रिमाइंडर नहीं आ रहा था। अब आगे हमारे पास कोई टर्म भी नहीं है जो 1 है, इस टर्म से छोटा है तो आगे डिवाइड भी नहीं होगा, तो रिमाइंडर तो आ गया हमारे पास 1 एंड क्वेश्चन क्या आया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको ऐसे ही करना है। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, अब तक हमने जितने भी हमने क्वेश्चन किया है इसमें हमारे पास जो डिवाइजर होता था उसमें 2 टर्म्स होते थे, हमारे पास क्या 3 टर्म्स है और यहाँ पर हमारे पास 5 टर्म्स है, तो करना उसी तरीके से है। यहाँ पर आप पहले सिर्फ आप फर्स्ट टर्म की पावर चेक करोगे, यहाँ पावर 4 है यहाँ पावर 2 है, तो एक्स पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर सेम हो जाए, आपको फर्स्ट टर्म की पावर सेम करनी है, पीछे वाले टर्म उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हुआ एक्स पावर 4 प्लस एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एक्स पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये किस पे हुआ हमारे पास एक्स स्क्वायर पर, तो एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस होगा सिंपल माइनस का ही आएगा 3x क्यूब एंड प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर होगा प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 टर्म है यहाँ पर 3 टर्म है, तो हमें एक नीचे ऊपर से एक टर्म और नीचे लेके आनी है, तो प्लस एक्स यहाँ होगा, यहाँ पर माइनस 3 है तो अभी बताया था मैंने, तो आपको माइनस 3 वाली टर्म लेनी है, तो यहाँ पावर 3 है और यहाँ पावर 2 है, तो क्या लेना होगा हमें माइनस 3x, माइनस 3x से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से, तो माइनस 3x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x पावर 3 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा एंड 3x स्क्वायर एंड माइनस 3x, तो क्या इस पे डिवाइड, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या हुआ माइनस 3x। अब हमारे पास प्रमाण है माइनस 3x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x, सॉल्व कर लेते हैं माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, प्लस प्लस होगा प्लस, आपके पास 3 प्लस 1 इज 4x स्क्वायर प्लस 4x ऊपर से ले आए प्लस 4, उसके बाद प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4, यहाँ पर क्या है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब देखो बिल्कुल सिंपल है, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं इस डिवाइजर को तो सेम ही टर्म आएगी या नहीं आएगी, इसी से मल्टीप्लाई किया हमने डिवाइजर को 4 से, क्या हुआ क्वेश्चन क्या हमारे पास 4, तो 4x स्क्वायर x को 4 से करोगे 4x और 1 को 4 से करोगे तो भी क्या आएगा आपके पास 4 ही आएगा। अब माइनस कर लेते हैं, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ये सभी टर्म कैंसिल होगा, तो रिमाइंडर क्या है 0 और क्वेश्चन क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। तो जितने ज्यादा आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतनी इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर टर्म हमारे पास डिवाइडेंड और डिवाइजर दोनों पर ही डिपेंड होकर आपने क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास 5x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 13 आपको डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 से, तो देखो वही देखना है हमें, यहाँ पावर 2 यहाँ पावर 3, यहाँ पर क्या है कॉन्स्टेंट 5 है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 है, तो 5x क्यूब लाने के लिए हमें x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5x से, तो 5x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या होगा 5x पावर 3 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 20 x, तो किससे मल्टीप्लाई किया हमने 5x से मल्टीप्लाई किया, तो 5x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 20x,
यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ भी माइनस, तो ये टर्म कैंसिल हो गई। प्लस माइनस माइनस 15 में से 12 माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास 3x2। एंड माइनस 20 में जब आप प्लस 12 करोगे तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर माइनस 8x। इस 13 को नीचे ले आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास x2 और यहाँ भी x2, लेकिन यहाँ पर सिंगल 1 है, 1x2 है, यहाँ पर क्या है हमारे पास 3x2। तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, x2 माइनस 3x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x2, 3 3s are 9x and 3 4s are 12। क्या है ये हमने प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3x2 माइनस 9x एंड प्लस 12। यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। माइनस करते टाइम आपको याद रखना है नीचे वाले टर्म के आपको सभी सिंबल चेंज करने, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस x बचेगा, प्लस माइनस माइनस 13 में से 12 माइनस करोगे तो 1। ये टर्म आ रही है x माइनस 1, x माइनस 1 इस टर्म से छोटी है, यानी ये क्या हुआ हमारे पास रिमाइंडर, ये हमारे पास क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 14 भी आप खुद ट्राई करके देखोगे। अब कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास 8x पावर 4 प्लस 10x पावर 3 माइनस 5x2 माइनस 4 x प्लस 1 को आपको डिवाइड करना है 2x2 प्लस x माइनस 1 से। तो आप क्या करोगे कि जो ये टर्म है देखो, तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और x पावर 2 है तो x पावर 2 को x पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा x पावर 4। तो हमारे पास क्या टर्म हुई, x पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 का आप इससे मल्टीप्लाई 4x² से, 4 2 जा 8 x पावर 4 प्लस 4x पावर 3 माइनस 4x² तो यहाँ पर हमारे पास इस टर्म, हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा 4x², तो 8 पावर x पावर 4 प्लस 4x पावर 3 माइनस 4x², यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये टर्म कैंसिल। 10 में से 4 माइनस किया 6x पावर 3 प्लस माइनस 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 x², और इस माइनस 4 का नीचे ले आते हैं। तो यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, हमारे पास क्या टर्म आएगी 3 होगा, 2 3 जा 6, यहाँ x पावर 3 है, यहाँ x पावर 2 है, तो क्या आएगा आपके पास 3x। नेक्स्ट क्या है हमारे पास प्लस 3x, तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2x² को आपको 3x से मल्टीप्लाई करना है तो 6x³ आएगा, एंड प्लस 3x को x से करोगे तो 3x² आएगा, एंड माइनस 1 से करोगे तो माइनस 3x ही आएगा। सिंबल चेंज कर लेते हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, ये टर्म कैंसिल हो गई, माइनस माइनस प्लस होगा, और सिंबल किस टर्म का आएगा माइनस, और माइनस 3 और माइनस 1 क्या होगा आपके पास माइनस 4x², और यहाँ पर प्लस माइनस, माइनस होगा क्योंकि माइनस 4 और प्लस 3 है, माइनस x आ जाएगा और इस 1 को हम नीचे ले आते हैं। अब आगे डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर माइनस का साइन है, यानी पॉजिटिव टर्म है, हमें क्या लेना है सेम सिंबल लाने के लिए क्या करना होगा माइनस से, इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस 2 से ही करेंगे, तो क्वेश्चन क्या होगा माइनस 2। अब 2x² प्लस x माइनस 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आता है, तो माइनस 2 को माइनस, माइनस 2 को 2x² से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4x², माइनस 2 को प्लस x से किया तो माइनस 2x, एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये किससे हुआ माइनस 2 पे किया, क्या हुआ हमारे पास माइनस 4x² माइनस 2x प्लस 2, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ये टर्म कैंसिल, प्लस माइनस माइनस x आएगा, ये 2x है और ये x है, माइनस किया और सिंबल किसके आगे बढ़ाया 2x के आगे, तो पॉजिटिव सिंबल के आगे क्या टर्म है हमारे पास 2x, यानी बड़ी वाली टर्म है, तो आंसर आया x और माइनस 1, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 2 के आगे क्या सिंबल है माइनस का सिंबल है, तो रिमाइंडर हुआ हमारे पास x माइनस 2, और क्वेश्चन 2 हमारे पास 4x² प्लस 3 माइनस 2। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 6 सी कंप्लीट होती है, डू ऑल द क्वेश्चन इन योर नोटबुक, आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखनी है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं।